रहने वाला प्लस पानी है सब यहाँ पे पीने वाला। ये देख सकते हो गाइस कितने अच्छे तरीके से बनाया गया, देख सकते हो आप लोग। कुछ लोग तो अभी से यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए, देख सकते हो। ये देख लो, देख सकते हो यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे डायरेक्ट एकदम न्यू ताजा सा पानी एकदम भराया जा रहा है। कंडर की साइड लर्ची कैसा लटकाया हुआ है, प्लस इधर की साइड अभी काम चल रहा है, लाइक देख सकते हो भैया लोग काम कर रहे हैं। ये वाले भी ऊपर हो जाएगी। आज अभी तो अपन लोग दीपनगर जा ही रहे घाट के पास, और इधर का ना घाट काफी प्यारा लग रहा है। जो पानी है ना काफी गंदा हो चुका है, बट इधर की साइड देखो कितना साफ है। प्लस तो गाइस यहाँ पे भी एक लाइट ऊपर लगाया जा रहा है, प्लस नीचे की साइड देखो ना तो यहाँ पे भी ब्रिगेड दिया हुआ है। मंदिर है आप लोग देख सकते हो, ये वाली है। दोस्तों हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस आज आप लोग ना हम लोग छठ पूजा की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं बोलेंगे, उसके बाद आज आप लोग ना टॉप 5 छठ पूजा का घाट है ना, वो टॉप 5 घाट आपको दिखाने वाले। तो प्लीज गाइस वीडियो में बने रहना, क्योंकि जो भी घाट होगी ना वो नेक्स्ट लेवल वाली घाट होगी, दूर दूर जा जाके अपन लोग शूट करने वाले। तो बस वीडियो में बने रहना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो चलो घाट को रिवील करना करते हैं स्टार्ट गाइस, आप लोगों को दिखाते हैं घाट। बहुत ही अच्छे अच्छे से घाट होगा, नंबरिंग वाइज अपन लोग अरेंज करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि यार अपने को टॉप 5 दिखाना है ना गाइस। अभी अपन लोग आ चुके हैं राणा बीघा, और फिर यहाँ का देखो ना तो छठ पूजा का घाट काफी अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। लाइक अभी बहुत कुछ बच रहा है, जो कि आज या फिर कल तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि परसों अर्घ पड़ने वाली है। तो यहाँ से एंट्री है, लाइक यहाँ पे अपना 4 लेन है, और फिर यहाँ से नीचे की साइड ढूलोगे ना तो आप लोग यहाँ की साइड नीचे की साइड से जाओगे तो आपका ये छठ पूजा का घाट दिख जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस रहने के लिए काफी अच्छे तरीके से, प्लस यहाँ पे लाइटनिंग का सुविधा काफी अच्छा से दिया गया है। लाइक हर घाट पे दिया गया है, बट ये घाट पे देखो सारा मरकरी एकदम A to Z लाइन टू लाइन दिया गया। बट अभी जो मैंने दीपनगर का दिखाया ना उस पर थोड़ा सा लाइटनिंग का इशू था, बट हाँ इसमें लाइटनिंग का कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे ना हर जगह पे मरकरी दिया हुआ है। सो ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे भी एक लाइट ऊपर लगाया जा रहा है, प्लस नीचे की साइड देखो ना तो यहाँ पे भी ब्रिगेड दिया हुआ, जो भी गड्ढा है ना गड्ढा से बचने के लिए ब्रिगेडियर लगाया गया है, लाइक आप लोग देख सकते हो। प्लस यहाँ का एक चीज ना मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ का पानी बहुत ज्यादा साफ, ऊपर से ही ना नीचे की साइड आपको सारा कुछ दिख रहा है, मिट्टी यहाँ से देख सकते हो गाइस, ये देखो एकदम डायरेक्ट जल के अंदर का दिख रहा है। ये ना पानी काफी ज्यादा साफ लग रहा है, प्लस यहाँ पे लाइटनिंग वाला भी काफी तगड़ा वाला लग रहा है, एकदम लगाया गया बहुत ही अच्छा। प्लस ऊपर से ना जो वेपर लाइट होती है ना वो भी ऊपर के साइड से लगाया जा रहा है, और फिर यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे लग चुका, 1-2 और बच रहा है, वो भी कम्प्लीट होने को है। प्लस यहाँ के साइड ना ये वाली घाट ना मेरे को काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का तो मैंने अभी बताया ना पानी काफी ज्यादा साफ है। तो ये आपका राणा बीघा का घाट है, बिल्कुल बजरंगबली का मंदिर है ना हनुमान मंदिर, उसके जस्ट अपोजिट में है। तो ये राणा बीघा का घाट है, और यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं इसको क्या नाम मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है। प्लस यहाँ पे जो भी ब्रिगेडियर लगाया गया ना वहाँ पे रेड फ्लैग भी लगाया गया, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ भी है सावधान कृपया गहरे पानी में न जाएं। तो प्लीज़ कोई गहरे पानी के अंदर मत जाना, क्योंकि डेंजरस है, इसी कारण से वहाँ पे ब्रिगेडियर लगाया गया ताकि आप लोग डूबो ना, डूबने से बचो। तो सारे लोग आना यहाँ पे घाट पे पूजा पाठ करना, और फिर अच्छे अच्छे यहाँ पे मेला भी लगते हैं, इस तरफ जो भी खाली खाली एरिया है ना सारा जगह मेला लगेगा। प्लस वहाँ पे तो कुछ झूला लग के भी रेडी हो चुका है, लाइक देख सकते हो बच्चे का जंपिंग वाला होता ना वो वाली लग चुकी है। प्लस यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा खुला खुला सा एरिया है, तो वो वाली एंट्रेंस उधर दिख रहा वहाँ पे एंट्रेंस है, वो वाली तो एंट्रेंस तैयार है, बट यहाँ का जो एंट्रेंस है ना ये वाले भी तैयार नहीं हुआ, जो कि आज या फिर कल तक अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। कहता हूँ गाइस यहाँ पे किस तरीके से एकदम बनाया गया ना कटिंग करके, वो आप लोग एक बार देख लेना। यहाँ से लाइक आप लोग नीचे के साइड ढूलोगे ना तो यहाँ पे ढूलने के बाद आपको एक यहाँ पे देखो एक ढलान टाइप का दिया गया, फिर एक यहाँ पे ढलान टाइप का दिया गया, प्लस वहाँ पे चेंजिंग रूम बनेगी, जो भी माताएं लोग स्नान करेंगे ना पूजा करने के लिए उनके लिए चेंजिंग रूम। प्लस यहाँ से देखो कटिंग गाइस, यहाँ से कटिंग करके नीचे की साइड दिया गया, प्लस यहाँ से एक और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे प्लस इसके नीचे आप लोग जाओगे तो स्नान करोगे, तो यहाँ का पानी मेरे को काफी ज्यादा क्लीन लग रहा है। प्लस यहाँ का जो शेप दिया गया है ना वो गाइस मतलब काफी बेहतरीन तरीके से बनाया गया, घाट को तैयार किया गया, तो मेरे को ना ये सबसे अच्छा बेस्ट अच्छा घाट मेरे को लग रहा है। बट अभी और भी घाट है वो भी आपको दिखानी है, तो ये वाली घाट मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट आगे वाली घाट कैसा होगा वो तो आप लोग देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो बस इस घाट को बस यही कुछ है, तो अभी चलते हैं और फिर आगे का दूसरा घाट आपको दिखाते हैं गाइस। अभी अपन लोग आ चुके हैं दीपनगर, जो कि अंदर के साइड ना दीपनगर थाना है, ये लाइक देख सकते हो आप लोग मंडल कारा बिहार शरीफ नालंदा, तो अंदर थाना है, और फिर ये दीपनगर तरफ जाओगे ना छठ पूजा घाट आपको एक झलक दिखा देता हूँ गाइस। तो बस अंदर जाओगे ना तो डेकोरेशन देख रहे हो भाई, क्या ही हेवी वाला डेकोरेशन है ना, काफी मस्त एकदम लग रहा है प्यारा सा डेकोरेशन। तो अभी डायरेक्ट ना मैं आपको दिखाता हूँ घाट के पास, जो अपना
छठ पूजा घाट है ना, डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं और फिर वहां पे डायरेक्ट मिलते हैं गाइस। इधर की साइड लर्ची कैसा लटकाया हुआ है, प्लस इधर की साइड अभी काम चल रहा है, लाइक देख सकते हो तो भैया लोग काम कर रहे हैं। ये वाले भी ऊपर हो जाएगी, उसके बाद डेकोरेशन कम्प्लीट होगी। प्लस यहाँ से ना अपना जो भी दीपनगर का छठ पूजा घाट है ना, यहाँ से स्टार्टिंग होता है। तो चलो अंदर की साइड चलते हैं और फिर आपको यहाँ का घाट दिखाते हैं गाइस। सो घाट का नजारा ना कुछ ऐसा है, यहाँ पे लाइक मिट्टी देख के देख सकते हो भरा गया है। तो अपन लोग फोर व्हीलर को लेके नहीं आए क्योंकि यार अगर इधर धस गई ना तो निकालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, तो इसी कारण से फोर व्हीलर अपन लोग पीछे ही छोड़ दिए। सो गाइस अभी तो अपन लोग दीपनगर जा ही रहा है घाट के पास, और इधर का ना घाट काफी प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगेगा ना एक कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल अपने को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट अब लोग ना छठ पूजा का अर्घ से पहले ना इधर भैंस काफी सारे स्नान कर रहे हैं, तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये लाइक सामने की साइड देख सकते हो, वहाँ पे भैंस कितना स्नान कर रहे हैं। प्लस ये देखो घाट कुछ ऐसा सीन आ रहा है भाई, मतलब ये वाली व्यू ना काफी ज्यादा खुद में ही बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला व्यू लग रहा है। लाइक यहाँ पे देखो ठहरने का बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, प्लस वहाँ पे देखो वहाँ भी ठहर सकते हैं लोग, यहाँ पे देख सकते हो गाइस। प्लस सामने की साइड देखो ना तो काफी भयानक सा बहुत ही प्यारा सा सीनरी आ रहा है, बहुत ही अच्छा सा देख सकते हो। ये देखो भाई अर्घ पड़ने से पहले ही ना भैंस लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। ये वाली पानी देख रहे हो गाइस कितना क्लीन लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गंदी है बट उधर के साइड देखो ना तो एकदम ब्रिगेड लगाया हुआ है, एकदम सामने की साइड सारा जगह घेरा हुआ है और बहुत ही लंबा दिया गया है गाइस। तो अभी चलते हैं मेन घाट के पास और फिर जहाँ पे अर्घ पड़ेगी ना वहां से दिखाते हैं। हालांकि इधर भी अर्घ पड़ेगी, लाइक आप लोग देख सकते हो इधर से भी अर्घ पड़ेगी, तो वहां पे देखो यहाँ पे भी अर्घ पड़ेगी। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे और क्लीन होना बाकी है, बाकी क्लीन तो काफी ज्यादा हो चुका है लेकिन और भी क्लीन होगी। प्लस यहाँ पे देखो सारे लोग जो भी माताएं लोग पूजा करेंगे ना, स्नान करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पे कपड़ा चेंज करने का काफी अच्छा तरीका से बनाया गया है। वहां भी कपड़ा चेंज कर सकते हैं, वहां भी चेंज कर सकते हैं, काफी रस चेंज कर सकते हैं। बट देखो अर्घ पड़ने से पहले यहाँ पे भैंस स्नान कर लिया भाई, तो चलो कोई ना, पानी यार काफी ज्यादा साफ है। हमारे तरफ तो ना पंचाने नदी का जो पानी है ना काफी ज्यादा गंदा हो चुका है, बट इधर की साइड देखो कितना साफ है। प्लस यहाँ पे देखो सारी भैंस स्नान कर रही है और सारे बच्चे मस्त वाला एकदम स्नान कर रहे हैं, उधर की साइड देख सकते हो गाइस। तो कुछ ऐसा सीन आ रहा है इधर घाट का, दीपनगर घाट है ये घाट का नाम, दीपनगर है जगह का नाम, दीपनगर है। प्लस ये घाट है दीपनगर में ही और फिर ये अपना पंचाने नदी है, तो कृपया गहरे पानी में ना जाएं। और ये देखो बच्चों को भाई जो ब्रिगेडियर लगाया गया ना उससे पार नहीं होना चाहिए क्योंकि उधर गड्ढा है इसी कारण से, बट वो लोग को स्विमिंग आता है इसीलिए वो लोग जा सकते हैं उधर। जिसको भी स्विमिंग आती है ना वो लोग तो जाते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। बट अगर जिसको स्विमिंग नहीं आती है ना वो प्लीज गाइज मत जाना आगे, क्योंकि जो भी ब्रिगेड लगाया गया ना वो आपका सेफ्टी को देखते हुए लगाया गया है। तो ये आपका दीपनगर का है और फिर आगे चलते हैं और भी आपको घाट दिखाते हैं। यहाँ से काफी अच्छे तरीके से ऊपर की साइड दिया गया, हालांकि अभी 3-4 दिन टाइमिंग है लेकिन कुछ दिन में ना काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। प्लस मैंने बोला था ना रहने के लिए, तो रहने के लिए गाइज देख लो कितना उच्चतम तरीके से बनाया गया ना, ये देख सकते हो रहने वाला, प्लस पानी है सब यहाँ पे पीने वाला, ये देख सकते हो। क्योंकि जो भी घाट मतलब पहली अर्घ दूसरी अर्घ होती है ना उसमें काफी सारे लोग पहली अर्घ के दिन ना शाम में सारे लोग आ जाते हैं 2-3 बजे के आसपास, क्योंकि शाम में 4-5 बजे अर्घ पड़ जाती है। प्लस यहाँ पे रहने का देखो गाइज कितने अच्छे तरीके से बनाया गया, देख सकते हो आप लोग, देख रहे हो बहुत लोग का रहने का व्यवस्था किया गया है। प्लस एक ही नहीं यहाँ पे 2-3 टेंट ऐसा सा बनाया गया बहुत ही बड़ा बड़ा सा। प्लस यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे टॉयलेट से जो भी वॉशरूम है ना उसको यहाँ पे बनाया गया, प्लस वहाँ पे जो गाड़ी वाली टॉयलेट होती है वो वाली बनाई गई है। प्लस वहाँ पे भी देखो ना तो एक और रहने वाला, ये देख सकते हो गाइस। सभी मैं आपको ना वहाँ पहुँच कर दिखाता हूँ। प्लस कुछ लोग तो अभी से यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए, देख सकते हो, ये देख लो अभी से ही सारे लोग रहना भी स्टार्ट कर दिए। प्लस यहाँ पे जो भी जब उस टाइम ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है क्योंकि बड़गांव का ये जो होती है ना घाट, यहाँ का ना घाट ना काफ़ी ज़्यादा काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। और फिर ये देखो यहाँ भी एक बहुत ही बड़ा सा टेंट बनाया गया, इसमें नहीं मानना तो 1000 से ऊपर का लोग यहाँ पे रुक सकते हैं एक टेंट में। 1000 तो मैंने कम बोला, ज़्यादा ही यहाँ पे रुक सकते हैं। अभी उससे भी देख सकते हो कितने सारे लोग रह रहे हैं और उस टाइम तो और भी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। प्लस और भी आगे दिखाऊँ ना तो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं लगा, इतना आगे बहुत ही सारा टेंट बनाया गया, प्लस बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ लोग रहते हैं, प्लस यहाँ अर्घ देते आगे की साइड। तो अभी ना ये मेरा फोर व्हीलर है और फिर अभी मैं आपको ना आगे जाके सारा यहाँ का दिखाता हूँ, डेकोरेशन किस तरीके से यहाँ पे सजावट हुई है। प्लस उधर के साइड देखो ना तो उधर भी बहुत सारे लोग हैं, अभी देख सकते हो सामने की साइड ट्रैक्टर ये सब से आते लोग, वो खेलने का जगह। और ये देखो चूल्हा छठ के लिए ना यहीं से चूल्हा भी मिल जाता है, तो यहीं पे लोग सारे लोग प्रसाद भी बनाते हैं। प्लस यहाँ पे लकड़ियाँ ये सब मिलती है और फिर ये बेचते हैं, लाइक देख सकते हो यहाँ पे लकड़ियाँ, क्या बोलते ना
आम की लकड़ियां हैं, यहाँ पे किलो के हिसाब से बिकती है, पसेरी के हिसाब से, प्लस इधर देखो सारे लोग रहते हैं। और फिर यहाँ पे झूला है सब, जो जब मेन अरग होगा ना, पहली और दूसरी अरग, उस टाइम पूरे अच्छे तरीके से चालू हो जाएगी ना, तब देखना यहाँ का भीड़ क्या ही मस्त वाला भीड़ हो जाएगा। जब हम लोग घाट पे आ चुके हैं, लाइक सामने की साइड देख सकते हो मटका, और फिर इधर का मार्केट देखो ना, तो कुछ इस प्रकार है। प्लस आगे की साइड अभी अपन लोग गए नहीं है, जाएंगे फिर दिखाएंगे। प्लस यहाँ पे देखो अपना मंदिर तालाब जहाँ पे है ना, ये अपना बड़गांव का ये तालाब है, यहीं पे अरग पड़ती है। प्लस यहाँ पे देखो ना सारा सेफ्टी अपनाया गया है। प्लस यहाँ का पानी देखो ना तो भाई ग्रीन रहती है। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था, बट फिलहाल अभी देख लो ना आप लोग, तो यहाँ पे ग्रीन पानी है। प्लस यहाँ से भी अरग पड़ेगी, वहाँ से मेन सीढ़ी है ना, वहाँ से अच्छा से काफ़ी सारे जो भी है ना वहाँ पे जाके अरग देते हैं अच्छे से, चारों तरफ से ना अरग देने वाला ही, इसी कारण से चारों तरफ यहाँ पे घेरा हुआ है। अभी के टाइम में आपको इतना खाली खाली सा दिख रहा है ना, लेकिन जब छठ पूजा आएगी ना करीब, एकदम एक दो एक दिन बचेगी ना, जैसे आज नहाई खाए है, कल जो भी होता है ना लोहंडा है सब शायद बोलते हैं वो होती है, फिर पहली अरग होती है ना, उस दिन सारे लोग सामने बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पे मेन बड़गांव का घाट से एंट्री होता है, लाइक यहाँ से एंट्री ले रहे हैं अपन लोग, ये बड़गांव का घाट है गाइस, आप लोग ध्यान से देखना। प्लस उलाई सब बिक रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोले थे ना हम लोग कि यहाँ पे आके सारे लोग खाना ऐसा बनाते, जो पूजा पाठ का प्रसाद बनता है ना वो यहाँ पे आके बनाते। प्लस यहाँ पे लकड़ियाँ और फिर चूल्हा ये सब खरीद के लेके जाते हैं, ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आओगे ना तो कुछ अंदर के साइड ऐसा जाओगे, प्लस उस दिन ना ये सब पूरा भरा पड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग सामान ये सब बेचते हैं ऐसे ऐसे ला के। और इधर के साइड अंदर जाओगे ना तो वो देखो पानी हमेशा देख रहे हो कैसे गिर रहा है, गिरता ही जा रहा है, क्योंकि इसको भरना होता है ना, कभी कम ना नहीं चाहिए इसी कारण से। और फिर यहाँ पे देखो आप लोग कुछ ऐसा सीन आता है, प्लस वहाँ पे मेला लगती है गाइस, वो सामने दिख रहा है यहाँ पे मेला लगती है। और ये अपना देख लो यहाँ पे पीपल का पेड़, और फिर यहाँ पे सारे चूल्हा ऐसा बिक रहा है, प्लस यहाँ पे मेला लग जाती है, जिस टाइम अरग पड़ती है ना उस टाइम मेला लगती है यहाँ पे उस दिन। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा सीन आ रहा है। और यहाँ का तालाब देखो ना, ये मेन घाट है बड़गांव का, सबसे मेन घाट ना इसी को बोलते हैं। प्लस यहाँ पे देखो चूल्हा ऐसा सारा कुछ है, और यहाँ का देखो मेन घाट का सीन है, क्योंकि अपन लोग तो उधर से गए थे ना, सारा मेन ही घाट है, लेकिन मेन जो एंट्री वाला घाट है ना वो ये वाली मेन वाली घाट है गाइस। और फिर यहाँ पे अभी भी स्नान कर रहे हैं, देख सकते हो डायरेक्ट ऊपर से पानी गिर रही है मोटर से, और स्नान कर रहे हैं। और यहाँ से देखो तो कुछ सामने की साइड ऐसा सीन आता है, सामने की साइड जाओ ना तो खत्म नहीं होगी, पूरा रोटेट हो जाती है, वहाँ से सामने जाओगे फिर उधर रोटेट होगे, फिर उधर से रोटेट होके बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ पे मेन सारे लोग अरग देना चाहते हैं, पानी देख रहे हो कितना ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है, आप लोग खुद देख लो पानी कैसा ग्रीन लग रहा है। तो पता नहीं यहाँ का क्या नियम है, मेरे को पता नहीं, कितना भी खाली करके भरोगे ना तो पानी ग्रीन ही हो जाती है, ये मेरे को पता नहीं। तो यहाँ का घाट का कुछ सीन ऐसा है गाइस, अभी आपको ना कुछ और भी दिखाते हैं। देख रहे होगा आगे की साइड बैरिकेड लगा दिया गया, क्योंकि अरग देने टाइम ना अंदर की साइड काफी ज्यादा गड्ढा हो जाती है, इसी कारण से ना यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया कि यहाँ से आप लोग उस तरफ मत जाओ, क्योंकि गड्ढा काफी ज्यादा है। यहाँ पे हमने भी स्नान किया था ना तो वहां से आगे गड्ढा काफी ज्यादा है, तो इसी कारण से बैरिकेड लगा दिया, क्योंकि जो भी सहते हैं ना, फास्ट करती है ना लेडीज या फिर माताएं लोग जो भी सहते हैं, और फिर अंकल लोग, कुछ अंकल भी करते हैं तो वो लोग भी सहते हैं, तो बैरिकेड से आगे ना जाएं, यहीं तक बैरिकेड से पहले ही आप लोग पूजा पाठ कर ले, तो इसीलिए बैरिकेड लगाया गया। प्लस यहाँ पे देखो रहने सहने के लिए इधर भी बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था किया गया है। बड़गांव का ये मार्केट है, जो भी सूर्य मंदिर के आसपास का ये मार्केट है, और फिर आगे की साइड भी इधर भी देखोगे ना तो इधर भी काफी सारे लोग श्रद्धालु विश्राम स्थल, ये वाली देख रहे हो श्रद्धालु विश्राम स्थल है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। और फिर ये वाली मार्केट देखो ना काफी ज्यादा बड़ा होगी, प्लस यहाँ पे रहने के लिए ना काफी ज्यादा उत्तम व्यवस्था किया गया, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था है। प्लस जिस दिन छठ रहती है ना, जिस दिन अरग रहती है ना, उस दिन इतना आपको जाम मिलेगी ना भाई, चक्का जाम हो जाते, घंटा दो घंटे तक ना आपकी गाड़ी एक जगह स्थिर रहेगी, ऐसा जाम होती है। अभी अपन लोग आ चुके हैं सोसराय, बिल्कुल सूर्य मंदिर के पास, और फिर ये सूर्य मंदिर का घाट देख रहे हो, लाइक सजावट कुछ ऐसा हो रखा है, पहले जिस टाइम सजावट नहीं था ना उस टाइम का पानी इतना ज़्यादा गंदा था ना, बता नहीं सकते, बट अभी ना इधर का सारा कुछ आपको दिखाते हैं। प्लस यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है, उधर के साइड वो वाली देख रहे हो वो वाली सूर्य मंदिर है, और फिर इधर के साइड भी मंदिर है सारा। अभी मैं आपको डायरेक्ट घाट की तरफ लेके चलता हूँ बिना लेट किए, क्योंकि भाई घाट देख रहे हो ना तो घाट ही आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से बस नीचे आओगे और फिर यहाँ पर आप आइए, घाट देख लो, इस सूर्य मंदिर का घाट है जो कि सोसराय में है। पहले के टाइम ना भाई पानी बहुत ज़्यादा गंदी थी, बट अभी के टाइम देखो ना तो भाई काफ़ी अच्छा से एकदम साफ किया हुआ, लाइक अभी जिस टाइम अरग पड़ेगी ना उस टाइम और भी साफ करेंगे चूना ये सब डाल के। और यहाँ पे ब्रिगेडियर भी लगाया हुआ आगे की साइड देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं ना अंदर के साइड, इसी कारण से ब्रिगेडियर लगाया गया। प्लस उस तरफ भी घाट है, दोनों साइड है, तो अगर उस तरफ जाना चाहते हो ना तो वो देखो सामने की साइड एक पुल दिख रही होगी, वो वाली पुल के पास जानी पड़ेगी, जिसका ना डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद आप लोग उस तरफ जा सकते हो। और इस तरफ से आपको सोसराय से अंदर से वो वाली पुल के पास जानी पड़ेगी, तब आप उस तरफ जा सकते हो।
तो इधर से ही आप लोग देख लो, उस तरफ भी घाट है और इस तरफ भी घाट है, लेकिन मेन सूर्य मंदिर ना इस तरफ से है। लाइक ये वाली सूर्य मंदिर है, आप लोग देख सकते हो, ये वाली है, तो ये वाली मेन घाट है। और फिर उधर से भी पूजा करते हो, उधर भी मंदिर है और यहाँ पे अपना घाट देखो कुछ ऐसा है। लाइक यहाँ का सफाई भी देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा जोरों तोड़ों से हुई है सफाई ये सब, प्लस पानी का जो भी ब्लीचिंग पाउडर आएगी ना वो शायद जिस दिन अरग पड़ेगी ना उससे पहले डाला जाएगा। प्लस यहाँ का डेकोरेशन देख लो, काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेशन है। प्लस ये भी एक मंदिर है, और इधर से आओगे ना तो ये अपना सूर्य मंदिर देख रहे हो सामने एक साइड, ये सूर्य मंदिर ये देख लो गाइस, कुछ ऐसा सूर्य मंदिर है। तो ये सूर्य मंदिर है, और फिर ये बजरंगबली का मंदिर है, और फिर इधर के साइड ऊपर के साइड आओगे ना तो यहाँ पे देखो डेकोरेशन कुछ ऐसा हो रखा है। लाइक ऊपर के साइड देखो सजावट, और उधर के साइड एंट्री भी है, और इधर के साइड से भी एक एंट्री है, दोनों साइड से एंट्री। प्लस यहाँ पे कुछ ऐसे ही खाने पीने का इंस्टॉल और भी कुछ ऐसा है। प्लस आगे साइड जाओगे ना तो बस यही कुछ है, बस सजावट ऐसा भी हो रही है। तो सारा कुछ जोरों तोरों से सजावट चल रही है, क्योंकि यार कल परसों लास्ट जो भी होगा ना सारा काम कल परसों तक ही होगा, क्योंकि मेन आपको 7 तारीख को पहली अर्घ है जिसको संध्या अर्घ बोलते हैं, जो कि संध्या में पड़ती है शाम के टाइम में, सूर्य भगवान डूबते हैं ना उस टाइम में। तो अभी के टाइम में ही देखो यार थोड़ा बहुत सजाया, उसके बाद देखो बच्चे लोग स्नान कैसे कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ का घाट है सोसराय का, सूर्य मंदिर के पास का ये वाली घाट है। तो आप लोगों को कौन सी घाट नंबर वन लगती है वो प्लीज गाइस कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को तो जो फर्स्ट लगी वो मैंने आपको दिखा दिया, और जो फिफ्थ लगी वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो आप लोगों को कौन सा फर्स्ट लगती है वो प्लीज कमेंट करके बता देना। सोच रहा अब यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए, क्योंकि ना काफी ज्यादा थक चुके हैं गाइस। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय एंड हैप्पी छठ पूजा। क्योंकि अपन लोग ना एक वीडियो सोच रहे हैं, जो कि शाम वाली जो अर्घ पड़ेगी ना उसका एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, और एक अपना सुबह जो अर्घ पड़ेगी ना उसका स्पेशल वीडियो लाएंगे। तो बस यही कुछ है, तो बाय बाय गाइज़।